So Nvidia just dropped their keynote for 2022 और उसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया एक नया ग्राफिक्स कार्ड। पर ये ग्राफिक्स कार्ड आपके लिए या मेरे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिसने आपको ये वीडियो सजेस्ट किया, बेसिकली फॉर AI एंड बिग डेटा साइंस। इसका नाम है Nvidia H100 और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि अकॉर्डिंग टू Nvidia 20 H100s can sustain the equivalent of the entire world's internet traffic। मतलब दुनिया भर का जो इंटरनेट है ये 20 ग्राफिक कार्ड वो संभाल लेंगे। आपको विश्वास हो रहा है इस पे? मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। बट अनलाइक अदर बिग टेक कंपनीज, ये लोग परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा झूठ नहीं बोलते। जस्ट लाइक A100, P100 एंड द T100 बिफोर दैट, द H100 इज ऑल्सो द हाईएस्ट एंड GPU इन देयर अपकमिंग सीरीज। अगर हम इसके स्पेक्स प्रीवियस जेन कार्ड से कंपेयर करेंगे तो दिस इज अ वॉपिंग 6 टाइम्स हायर। इट हैज फ्रीकिंग 80 बिलियन ट्रांजिस्टर काउंट। फॉर कॉन्टेक्स्ट, दैट्स 3 टाइम्स मोर देन द RTX 3080। नाउ इट्स फेयर टू थिंक कि जब एंटरप्राइज GPU में इतना परफॉर्मेंस जंप मिल रहा है तो हमको कंज्यूमर GPU में भी ये जंप देखने मिलेगा। वेल, द शॉर्ट आंसर इज वी थिंक सो, एंड द लॉन्ग आंसर इज इट्स कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि पिछले 3 जनरेशन से Nvidia ने सिमिलर आर्किटेक्चर यूज किया है उनके कंज्यूमर एंड एंटरप्राइज ग्रेड कार्ड्स के लिए। बट दिस टाइम द H100 इज बेस्ड ऑन द हॉपर माइक्रो आर्किटेक्चर, जबकि द RTX 4000 सीरीज विल मोस्ट लाइकली बी ऑन लवलेस। अब ये सिर्फ नाम ही अलग है या एक्चुअली अलग है वो तो लॉन्च के टाइम ही पता चलने वाला है। बट हमें इतना जरूर पता है कि AMD इज ऑल्सो कमिंग विद न्यू GPUs विच विल ऑल्सो बी ऑन द सेम 5 नैनोमीटर विद Nvidia एंड Intel, और ये कॉम्पिटिशन काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स सेफ टू अज्यूम दैट वी विल सी अ गुड जंप on the RTX 4000 series. Now I hate to ask this question, but do you guys think this will lead to another shortage? क्योंकि performance बढ़ेगी तो mining profitability बढ़ेगी, जिसका मतलब graphic performance में नई नई ऊंचाइयां देखने को मिल रही हैं। But what about processors? तो दो नए launches हुए हैं processors में भी। Start करते हैं Intel के साथ। Intel 12900KS launch हो चुका है और उसका new एक पे listing भी आ चुका है, $799 USD. Now, if you aren't already aware, this is basically their most top performing i9 with a 5.5 GHz turbo. Iska performance roughly 5-7% better rehne wala hai 1200K regular wale se. But with the high performance comes a high power rating. Iska TDP 260 rehne wala hai. That's actually 20 less than the 64-core Threadripper. And not just that, Intel is also coming up with a leaked 12950HX16-core CPU jo laptops ke liye rahega. Ye already Geekbench pe leak ho chuka hai aur uske scores almost on par with desktop 1200K. Matlab idhar bhi nahi nahi chaya chhu rahe. Now talking about cores, you cannot forget the Threadripper series, and AMD has launched 5000 series Threadripper. Ye announce ho chuka hai. Very basically, it's applying the same formula. The core count is the same, but you have a 19% IPC uplift, although we definitely feel this could have been probably higher. A good thing about this new series is that we are seeing two new models, 5945 and 5955WX, jo 12 aur 16 core ke variants mein honge. Although it doesn't make sense for us, kyunki 5950X 16 core hai aur wo sasta bhi hai. This is an amazing budget workstation option that users can go, जिसको high number of PCI lanes चाहिए for more number of GPUs and higher number of NVMe SSDs. क्योंकि अभी तक ये रेंज में पीपल हैड टू गो फॉर 10980XE इंटेल का जैसा प्रोसेसर जो अब 3 साल पुराना हो गया है। दिस ऑल्सो हैज सपोर्ट फॉर अप टू 2 TB of RAM. Now 5000 सीरीज हैज 2 TB of RAM, आई रिपीट, सो दिस इज अ ह्यूज प्लस। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव रिसीव्ड फुल ऑफिशियल सपोर्ट फॉर एंड्रॉयड एप्स ऑन विंडोज। सो ऑल यू मोबाइल गेमर जो महंगे सिस्टम खरीद के 3-3 लाख खर्चा करके सिस्टम पबजी खेलते हो, अब आपको ब्लू स्टैक इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप नेटिवली खेल पाओगे। सो द फाइनल न्यूज़ फॉर द डे इज डायरेक्ट स्टोरेज API हैज गॉटन सपोर्ट इन अ फ्यू गेम्स, वन ऑफ देम बीइंग फोर्सबोकन, जो यही ईयर एंड में के आसपास रिलीज होने वाला है। एंड सीइंग द लोडिंग टाइम्स ऑन दैट इज एक्चुअली क्रेजी, इट्स ओनली 2 सेकंड्स। लेट अस नो इफ यू गाइस वांट अ फुल वीडियो ऑन SSD स्पीड्स एंड व्हाट डिफरेंस इट मेक्स। दिस हैज बीन इट फ्रॉम आवर साइड। पसंद आए तो लाइक कर दो, अगर नहीं भी पसंद आया तो कमेंट मार लो और हम डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। चीयर्स।